चलो, तो क्या था सर पेपर पैटर्न, एक बार वापस से देख लेते हैं। सिंपल सी बात थी, आपको नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर वन इज कंपलसरी, और कोई भी एक क्वेश्चन, कोई भी दो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने आउट ऑफ व्हाट, थ्री क्वेश्चन, टू थ्री एंड फोर। हमने देखा सर क्वेश्चन वन ए, वन बी, वन सी, तुम्हारे 15 में से 15 हो जाएंगे। एक तो तुमको आएगा, नहीं तो तुम्हारे आगे पीछे वाले को आएगा, लेकिन श्योर है कि ये चीज आनी आनी। क्या सर फिलिंग द ब्लैंक्स है? फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स और व्हाट, मैच द पेयर्स। कहां पे मेहनत लगेगी? क्वेश्चन वन डी, जो 15 मार्क्स के लिए है, 3 शॉर्ट नोट्स लिखने आपको। तो थियोरी 30 मार्क्स डन। फिर क्वेश्चन टू थ्री और फोर देखो। टू जो है वहां पे आपको फाइनल अकाउंट का विषय करने की जरूरत है नहीं, अगर आपने डिफिकल्टी, आपको जा रहा है, आपने प्रैक्टिस नहीं की, आपने मेहनत नहीं की, नोट्स टू अकाउंट नहीं बनाने, लगता है कि सर पूरा टाइम उसी सब में जा रहा था टैली करने में, तो बात खत्म। वो नोट्स टू अकाउंट का विषय खत्म। तो क्वेश्चन नंबर थ्री, पोस्ट और क्या, प्रायर इनकॉर्पोरेशन, प्री और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन हमने देखा था। इजी समय 20 में से 20 मार्क्स। और आप देखोगे 4A, 4B, 4A का अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 4, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। और 4B कितने मार्क्स के, 6 मार्क्स के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे प्रॉब्लम आएगा, हल्का फुल्का सा प्रॉब्लम आएगा। 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, AS 5, प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम और व्हाट, चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी, AS 10, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, AS 14, अमालगमेशन, और AS 21 आई थिंक सो, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। तो ये अगर आप देख लो तो आपका पेपर एकदम, मतलब विषय खत्म हो जाएगा सर। अब शांति से अगर आप करो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज हम आगे बढ़ेंगे और आपको ये दिखा दूंगा कि 14 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे सिंपल है करके, और आपको देख के अच्छा लगेगा कि यस सर, कल हमारा वो चीज हुआ था, पहले 3 सब मैंने कहे थे, आज देखो पहले 3 इलस्ट्रेशन, टोटल 10 इलस्ट्रेशन से आपके, तो एक चीज तो सॉर्टेड हो गई है। सर मुझे बताओ कि आपका क्वेश्चन वन कितने मार्क्स को आने वाला है? 30 मार्क्स को। क्वेश्चन वन में कितने पार्ट है सर? ए, बी, सी और डी। ए, बी, सी 5-5 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव है, डी सिर्फ क्या है, शॉर्ट नोट्स। क्वेश्चन टू क्या है? फाइनल अकाउंट कितने मार्क्स का है? 20 मार्क्स को। अगर तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं हुई तो तुम इसे छोड़ दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है? प्री और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, इजी वाला समय, सबको करना ही करना है, कितने मार्क्स को है? 20 मार्क्स को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर, और क्वेश्चन फोर में दो है, ए और क्या, बी। ए में क्या आएगा? वैल्यूएशन ऑफ शेयर, 14 मार्क्स का क्वेश्चन। बी में एस पे क्या आएंगे क्वेश्चन, 6 मार्क्स का, तो ए भी कितना हो गया, 20। आप ये वाला क्वेश्चन कीजिए, ये 20 मार्क्स कीजिए और ये 30 मार्क्स, टोटल तुम्हारा पेपर कितने मार्क्स को आने वाला है, 70 मार्क्स। अगर आपने नहीं किया तो भी चलता है करके, थियरी बेस आप कुछ करके आ, लेकिन बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। एस कितने देख लिए हमने, एस कितने टोटल सर, 4। पहले एस क्या है, 5, प्रॉफिट और ये था प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, क्या ना, नहीं नहीं हाँ, प्रायर पीरियड आइटम और चेंजेस इन क्या अकाउंटिंग पॉलिसी। एस क्या आ जाएगा तुम्हारा, 10, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, यहाँ से सम आने की शक्यता है करके, इजी है। फिर क्या है सर, एस आपका 14, अमालगमेशन, और फिर क्या है सर, एस आपका 21, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके सम जितने टेक्स्ट बुक में उतने ही करो, आपका विषय खत्म हो जाएगा, डन। ओके सर, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में सर सीधा अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो आप देखिए, बाकी तो मैं आज नई चीज बताऊंगा ही, वैल्यूएशन ऑफ शेयर में जो मैंने आपको सम कराया था, और जब टेक्स्ट बुक के इलस्ट्रेशन चालू हुए, तो यहां से सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी, आप लोग कल ही हमने ये सम किया, और आज आप देखोगे तो सम में सर क्या था, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ व्हाट एनरॉल लिमिटेड इदालाबाद ऑन 31st मार्च, आपको लाइबिलिटी और असेट साइड दी हुई है, ओके उसके बाद कहा हुआ है, फॉर द पर्पज ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर ऑफ कंपनी द असेट्स वर रीवैल्यूड एज फॉलो। रीवैल्यूड मतलब क्या, उनकी कुछ तो प्राइस अमाउंट क्या हो गई सर, चेंज हो गई, रीवैल्यूएशन कर दिया उनका। क्या क्या रिवैल्यूएशन हुआ सर, गुडविल कितना अमाउंट का हो गया, 2,24,000। बिजनेस प्रीमाइसेस कितने अमाउंट का हो गया, 4,96,000। मशीनरी का कॉस्ट कितना वैल्यू हो गया, 3,14,000। और उन्होंने कहा कि डेटर्स में 16,000 ऐसे क्या इंक्लूडेड है, बैड डेट्स इंक्लूडेड, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट विच वैल्यू बेटा, इंट्रिंसिक वैल्यू। अगर ये सम आता है कोई दिक्कत, आराम से आप सॉल्व कर पाओगे आपको, क्योंकि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने डेम आपको एज एग्जाम्पल वाला सम लिया था, वहां पे सबसे ज्यादा टाइम हमारा किसमें चला गया था, गुडविल कैलकुलेशन, यहाँ पे तो गुडविल डायरेक्टली दिया हुआ है।
आप पहले सम को भी पढ़िए, असेट साइड को दिया है बिजनेस प्रीमाइसेस, बट बेटा बिजनेस प्रीमाइसेस का रिवैल्यूएशन वाला यहाँ पे अमाउंट दिया है क्या? हाँ, तो आप ये वाला अमाउंट नहीं लोगे जब आप नेट वैल्यू निकालोगे असेट का, आप कौन सा वैल्यू लोगे? रिवैल्यू वाला। ओके, फिर आया मशीनरी लेस डेप्रिसिएशन, कितना वैल्यू था? 2,60,000। जब मैं फॉर्मूला में सारी चीजें ऐड करूंगा, क्या मशीनरी का यहाँ पे रिवैल्यूएशन वाला अमाउंट दिया है क्या? यस। कितना दिया है? 3,40,000। तो मैं कैलकुलेशन करते हुए 2,60 को कंसिडर नहीं करूंगा, किसको कंसिडर करूंगा? 3,40,000 को। फिर डेटर, अच्छा कॉपीराइट में एज इट इज ले लूंगा, स्टॉक इन ट्रेड एज इट इज ले लूंगा। अकाउंट रिसीवेबल मतलब ही क्या बेटा? डेटर की बात कर रहे थे वो, और डेटर में उन्होंने कहा 1,76,000 में कितने क्या इंक्लूडेड है? बैड डेट्स। कितने हजार के बैड डेट्स इंक्लूडेड है? 16,000। तो आपको 1,76,000 में से कितने माइनस करने थे? 16,000 माइनस करने थे, तो बराबर कितना आ जाता? 1,00,000 कितना? 60,000। बाकी आप बैंक बैलेंस ले लोगे, कैश इन हैंड ले लोगे, और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हम ऐसे भी ट्रीट करते नहीं है बिकॉज ये फिक्टिशियस असेट है। लाइबिलिटी साइड को अगर आप सम में देखोगे तो आप लोगों को दिखेगा कि 4,000 इक्विटी शेयर्स थे, 100 रुपए का एक, तो कितने इक्विटी शेयर से कैपिटल रेज हुआ था? 4,00,000 रुपए। आपका रिजर्व फंड कितना है? 2,16,000। प्रॉफिट एंड लॉस मतलब प्रॉफिट कितना हुआ? 64,000। बेटा ये जो तीनों अमाउंट है ना, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर कोई नहीं आए हुए। अगर प्रेफरेंस आते तो हम उसको पैसे दे देते और बचे हुए वैल्यू में हम वो फॉर्मूला यूज करते, क्या थोड़ी देर में बताऊंगा। एनीवेज, लाइबिलिटी भी एकदम सॉर्टेड है, लेकिन कितने एक्सटर्नल आपको करंट लाइबिलिटी दिख रहा है या अदर लाइबिलिटी देखो। प्रोविजन फॉर क्या है बेटा? टैक्स, ये पेड करना है 40,000। अकाउंट्स पेएबल कितना देना है? 2,10,000। और रेंट पेएबल कितना है सर? 6,000। ओके, अब उन्होंने तो क्या निकालने को कहा था बोलो तो? इंट्रेंसिक वैल्यू। आप आंसर शुरू करते हो, आंसर क्या है सर आपका? कैलकुलेशन ऑफ नेट असेट अवेलेबल फॉर किसके लिए बेटा? नेट असेट अवेलेबल फॉर हुम? इक्विटी शेयर होल्डर। और इंट्रेंसिक वैल्यू आप उसके लिए निकालते हो, और कौन से असेट अवेलेबल बोला है बेटा? नेट असेट। तो आप क्या करते हो, सबसे पहले असेट का टोटल ब्लॉक कितना है, कितने असेट है वो ऐड कर लेते हो। गुडविल क्या आपको सम में दिया था? 2,24,000 डायरेक्ट क्वेश्चन में, बोलो यस और नो। यस सर। उसके बाद मशीनरी, सॉरी बिजनेस प्रीमाइसेस, कितना वैल्यू था एक्चुअली? आपके बैलेंस शीट में देखोगे तो 2,36,000, लेकिन मैंने आपको कहा आप हमेशा कौन सा वैल्यू लेते हो? रीवैल्यूएशन वाला। तो रीवैल्यूड अमाउंट कितना था बिजनेस प्रीमाइसेस का? 4,96,000 आ गया ये बराबर, यहाँ पे गलती मत करना। मशीनरी लेस डेप्रिसिएशन अलग वैल्यू था, लेकिन रिवैल्यूएशन में कितना दिया है? 3,40,000। कॉपीराइट क्या एज इट इज बैलेंस शीट में दिया था? यहाँ पे लिख दू क्या? 40,000। यस सर। उसके बाद स्टॉक इन ट्रेड कितना था सर? 96,000 एज इट इज आ गया। उसके बाद अकाउंट्स पेएबल 176 थे, लेकिन बैड डेट्स क्या किया बेटा उसमें से? लेस। कितना बैड डेट्स लेस हो गया बताइए मुझे? 16,000। तो ये अमाउंट कितना आ गया? 1,60,000। बैंक बैलेंस और कैश इन हैंड एज इट इज 80,000 और 20,000 ले लिया, तो मेरे टोटल असेट कितने हो गए बेटा? 14,00,000 कितना? 56,000 के मेरे हो गए टोटल असेट। अब इसमें से क्या करता हूं मैं सर? टोटल असेट में से मैं माइनस करता हूं मेरी लाइबिलिटीज जो मैंने पेड कर दी, लाइक तो लेस। लेस क्या हो गया मालिक? करंट लाइबिलिटीज। कहां से समझेगा कि आपको करंट लाइबिलिटी माइनस करना है? सर असेट तो समझ गया, अब कहां से समझेगा कि लाइबिलिटी माइनस करना है बोलो? जादू है क्या? नहीं। आप लोग क्वेश्चन पे जाओगे, क्वेश्चन में देखो जो मैंने यहां पे ब्लू कलर का किया हुआ, क्या है वो सर? लाइबिलिटी जो आपको पेड करना पड़ेगा। तो असेट का टोटल लेने के बाद, स्क्रीन पे ध्यान दो सब, असेट का टोटल लेने के बाद आप माइनस करते हो लाइबिलिटी, तो सर मैंने क्वेश्चन में से ही लाइबिलिटी माइनस कर दी। कितने अमाउंट थी लाइबिलिटी की जरा बताना बेटा? टैक्स प्रोविजन कितना था? 40,000। अकाउंट्स पेएबल कितना है? 2,10,000। और लास्ट रेंट पेएबल कितना है? 6,000। तो टोटल मेरी लाइबिलिटी जब मैं माइनस कर दूंगा किसमें से? 14,56,000 में से ये पूरा अमाउंट, तो मेरा टोटल नेट असेट कितना बचेगा? 12,00,000। बट नेट असेट तक कैसे आना है समझा क्या तुमको? एवरीबॉडी, नेट असेट कैसे लाना है तुमको समझा क्या? बोलो यस और नो, सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। नेट असेट कैसे आया तुमको समझा क्या?
यस, क्या किया सर नेट असेट में मैंने? सिंपल सी बात थी, जितने मेरे असेट थे, लेकिन असेट में कौन सा वैल्यू दिया? अगर रीवैल्यूड अमाउंट दिया है तो रीवैल्यूड अमाउंट लेने का, कौन सी अमाउंट नहीं लेने की सर इसमें? ये जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस था, फिक्टिशियस असेट, वो लेने का नहीं। ये सब ऐड करने के बाद मैंने क्या माइनस किया उसमें से बताओ। ये मेरे क्वेश्चन में जो लाइबिलिटी साइड दिख रहा है, क्या टैक्स प्रोविजन, अकाउंट्स पेबल, रेंट पेबल, ये जब मैं असेट में से माइनस करता हूं तो मुझे जो आंसर मिलता है सर, वो कौन सा आंसर मिलता है? नेट असेट। तो 14,40,000, 14,56,000 में से ये सब माइनस किया मैंने, तो मेरा आंसर आ गया कितना? 12 लाख। और अभी लास्ट कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन ऑफ विच वैल्यू मालिक? इंट्रिंसिक वैल्यू, जिसका फॉर्मूला है टोटल नेट असेट अवेलेबल फॉर हुम बेटा? इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो अब आपको ये तो पता था कि कितना वैल्यू अवेलेबल है उनके लिए, 12 लाख, लेकिन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कहां से पता चलेंगे? क्वेश्चन से। देखो दिया है क्या, 4,000 इक्विटी शेयर्स। तो आप 12 लाख डिवाइडेड बाय क्या करोगे मालिक? 4,000 इक्विटी शेयर, ये तुम्हारा फॉर्मूला है। तो तुम्हारा इंट्रिंसिक वैल्यू कितना आ गया? 300। एंड दैट्स ऑल, सम खत्म। इतना ही करना था तुम्हें। पहला इलस्ट्रेशन आपके एस वाई बी कॉम का, वैल्यूएशन ऑफ शेयर का खत्म। उन्होंने क्या कहा था? इंट्रिंसिक वैल्यू लिखाइए, निकालिए, बिल्कुल मत डरिए सर। यही सम अगर एज इट इज पेपर में आता है, आपके असेट्स में से आपको क्या माइनस करना है? लाइबिलिटीज। और प्रेफरेंस होते तो माइनस कर देता, बट हमारे लाइबिलिटी साइड में किधर भी प्रेफरेंस शेयर दिख रहे हैं क्या? नहीं। तो बात ही नहीं, जितना भी 12 लाख रुपया नेट बचा वो किसके लिए बचेगा? अभी इक्विटी शेयर्स के लिए। और इसीलिए ये सारा का सारा अमाउंट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर फंड, नेट असेट अवेलेबल टू हुम? इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। आपका क्या आ जाएगा? इंट्रिंसिक वैल्यू, दैट इज हाउ मेनी अमाउंट बेटा? 300 रुपीज। पहला इलस्ट्रेशन तुमको लग सकता है सर इतना थोड़ी ना आ जाएगा 14 मार्क्स को। दूसरे इलस्ट्रेशन पे जाते हैं एस वाई बी कॉम के, और ये एग्जाम्पल ने इलस्ट्रेशन नंबर टू क्या कहा है देखो। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू क्या? अडवानी लिमिटेड, कंप्यूट विच वैल्यू बेटा? इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ वॉट? ईच इक्विटी शेयर। सम पढ़ना चालू करो। बैलेंस शीट दिया हुआ है, बैलेंस शीट का कौन सा साइड मालिक? लाइबिलिटी साइड। पहले देखो शेयर कैपिटल, देखना क्या है। 20,000 इक्विटी शेयर, 10 रुपए के हिसाब से कितना वैल्यू था बेटा? 2 लाख रुपया। तो इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर याद रखना, कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर? 20,000 है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना है? 20,000, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने को हमको फॉर्मूला में डिवीजन किससे करना पड़ता है? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। तो सम पढ़ते ही पहले देख लेना, अगर इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना है तो इक्विटी शेयर कितना दिया हुआ है? 20,000। ओके, 13,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच, कितना रुपया है सर? प्रेफरेंस शेयर होल्डर से कितना रुपया लिया है मैंने? 1,30,000। लेकिन बेटा याद रखना, जब तुम इंट्रिंसिक वैल्यू निकालोगे तो सबसे पहले किसका पैसा पेड कर दोगे? प्रेफरेंस शेयर वालों का पैसा पेड कर दोगे। समझ में आ रहा है? वो कैसे है बताओगा इस समय। रिजर्व फंड कितने हैं? 60,000, कोई दिक्कत नहीं। और मैं देखो ये कलर जब करता हूं ना, तो इनको पैसे दे देने पड़ेंगे। ट्रेड क्रेडिटर, बिल्स पेबल, और क्या? टैक्सेशन प्रोविजन, ये माइनस करना पड़ेगा जब हम क्या निकालेंगे बेटा? नेट असेट। ठीक है, एनीवेज, असेट साइड गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग सब दिया था। अब देखो यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट दिया है। For the purpose of valuation of equity share of the company, various assets were revalued as under. Book debt realized 100% of book value. ठीक है, तो जितना book debt था, debtor था, वो 100% realize हो गया, जितना आना चाहिए था उतना आ गया। तो मुझे बताओ यहाँ पे आप लोगों के debtors कितने थे? Book debts मतलब 36,000, वो कितने रहेंगे? 36,000 ही रहेंगे। ठीक है, स्टॉक इन ट्रेड रियलाइज एट प्रॉफिट कितना बेटा? 15,000। ठीक है, देखेंगे क्या इंफॉर्मेशन है, क्या करना है। स्टॉक इन ट्रेड तो 15,000 पे रियलाइज हो गया प्रॉफिट पे। इन्वेस्टमेंट कितना अमाउंट है? 60,000। गुडविल कितना है? 50,000। लैंड एंड बिल्डिंग कितना है? 1,10,000। प्लांट एंड मशीनरी कितना अमाउंट है बेटा? 1,40,000। अब ध्यान से देखोगे इधर गुडविल का कितना अमाउंट दिया है सम में? 35,000। एडजस्टमेंट में गुडविल का कितना अमाउंट दिया है देखो तो? 50,000 दिया हुआ है। एडजस्टमेंट में गुडविल का अमाउंट कितना दिया है? 50,000। तो नेट असेट कैलकुलेट करते हो कौन सी वैल्यू लोगे? जो वैल्यू रिवैल्यूड हो गया, मतलब रिवैल्यूएशन वाला, कितना? 50,000 ले लोगे। समझ में आ रहा है? तो ओके सर, चलो आंसर पे आते हैं। पहला क्या स्टेप रहता है? कंप्यूटेशन ऑफ व्हाट बेटा?
टोटल विच असेट, नेट असेट, तो टोटल असेट गुडविल कितना अमाउंट ले लिया आपने, 50,000। लैंड एंड बिल्डिंग, अब लैंड एंड बिल्डिंग तो इधर भी दिया था, इधर कितना अमाउंट दिया था, 95,000, लेकिन रीवैल्यूड होके लैंड एंड बिल्डिंग कितना आ गया, 1,10,000। तो याद रखना आपने कितना अमाउंट लिया, 1,10,000। समझ रहा है इतना बेटा? ओके, प्लांट एंड मशीनरी कितना है, 1,40,000। बच्चा देखेगा बोलेगा सर इधर प्लांट एंड मशीनरी तो 135 दिया है, आपने 145 क्यों लिया बेटा, रीवैल्यूड होके प्लांट, सॉरी 140 क्यों लिया, रीवैल्यूड होके देखो कितना अमाउंट हो गया प्लांट एंड मशीनरी का, 1,40,000। समझ रहा है क्या मालिक, बोले यस और नो? तो इसीलिए प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू कितना हो गया, 1,40,000। इन्वेस्टमेंट 60,000, कहां पे दिया है सर, क्वेश्चन में देखो, इन्वेस्टमेंट 55,000 बोला है, तो ये 60,000 कहां से आया, दिया है यहाँ पे, कहां पे दिया है, पहले ये दिया है ना 60,000, क्या था इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट ना, इन्वेस्टमेंट कितना दिया है, 60,000 है ना, तो रिवैल्यूड होके कितना है इन्वेस्टमेंट, यही है ना कितना, 60,000। विषय खत्म ना, मेरे को यहाँ पे तो कितना दिखा है इन्वेस्टमेंट, 55,000। कंफ्यूज मत होना, इधर ही तुम्हारी गलती हो सकती है, तो देख लो भाई कि सब में नीचे यहाँ पे दिया था 60,000, तो जो हो जाता है उसको टिक करते जाओ, तो तुमको समझेगा कि ये मैंने यहाँ से ले लिया, ये बाकी था, तो अरे हाँ इन्वेस्टमेंट टिक कर दो, कितना वैल्यू लेना है मुझे, 60,000 का वैल्यू लेना है करके। समझ में आ रहा है बेटा? नहीं तो एक 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 मेथड बना लो कि जो जो रीवैल्यूड हुए ना, देखो यहाँ पे गलत नहीं होगा तुम्हारा, एक मिनट से अटेंशन, तो क्या हुआ, एक मिनट, ठीक है मैं स्टार मार्क कर देता हूँ। गुडविल रिवैल्यूड था कि नहीं था, इधर स्टार मार्क, लैंड एंड बिल्डिंग रिवैल्यूड था, स्टार मार्क, प्लांट एंड मशीनरी रिवैल्यूड था, स्टार मार्क, इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूड था, यस सर, जो रिवैल्यूड है उसको स्टार मार्क कर दो, तुमको पता है कि ये वाला वैल्यू यहाँ पे लेने का नहीं, कौन सा वैल्यू लेना है जो रिवैल्यूड हो चुका है, यस और नो? यस सर। उसके बाद देखो स्टॉक इन ट्रेड कितना अमाउंट दिया है बेटा, 80,000। अब ध्यान से समझना मालिक, स्टॉक इन ट्रेड का वैल्यू कितना दिया है आपने और आपने कितना लिया है, 80,000। इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट थी क्या? हाँ, स्टॉक इन ट्रेड रियलाइज एट क्या बोला है, प्रॉफिट, मतलब जो 65,000 की चीज थी वो आपने 15,000 प्रॉफिट पे क्या कर दिया, रियलाइज कर दिया, तो 65,000 प्लस 15,000 कितना होता है वो, 80,000। इसीलिए यहाँ पे स्टॉक इन ट्रेड का अमाउंट कितना आया, 80,000। समझा क्या बेटा? वो स्टॉक इन ट्रेड एक्चुअली वहां पे था कितना, 65, लेकिन एडजस्टमेंट क्या बोला, इट इज रियलाइज एट प्रॉफिट ऑफ हाउ मेनी, 15,000 रुपीज, तो इसीलिए फिर वो ऐड करके यहाँ पे अमाउंट कितना ऐड हो गया, 80,000। ओके, ट्रेड डेटर कितना अमाउंट है, 36,000, और ट्रेड डेटर का क्या था, बुक डेट 100% रियलाइज हुआ है, कुछ भी पैसा डूबा नहीं है, तो बात खत्म, आपने डेटर भी कितना ले लिया, 36,000। कैश इन हैंड कितना है, तो डेटर भी हो गया, कैश इन हैंड कितना है बेटा, 24,000, तो कैश इन हैंड हो गया 24,000। अगेन आप क्या नहीं लोगे, अंडर राइटर कमीशन आप असेट में नहीं लोगे, समझ में आ रहा है, फिक्टिशियस असेट, समझ में आ रहा है बेटा, यस yes, बाकी लोगे आप, जैसे वहां पे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडर राइटर कमीशन, ये यहाँ पे नेट असेट कैलकुलेट करते वक्त लोगे नहीं, ठीक है। हाँ, सबका टोटल किया मालिक, कितना आ गया, कैलकुलेटर है तुम्हारे पास तो ये डिफिकल्ट नहीं रहेगा, ये कितना आ गया, 5,00,000। माइनस क्या कर दोगे, करंट लाइबिलिटी, ट्रेड पेएबल, बिल्स पेएबल, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एज इट इज, लोगे दोनों सबका टोटल कितना हो जाता है, 70,000 आप टोटल क्या कर दोगे, माइनस, ये टोटल इन तीनों का है, इन दोनों तीनों का टोटल कितना आ गया मालिक, 70,000। तो अच्छा ये कहां से आया पता है ना, दिमाग कहां से लगाया, लाइबिलिटी, असेट लेने के बाद ये लाइबिलिटी साइड का, ये जो करंट लाइबिलिटी है आप क्या कर देते हो बेटा, माइनस कर देते हो, टोटल कितना हुआ था, 70,000। तो बताओ टोटल नेट असेट कितना आ गया आपका, 4,30,000। नेट असेट तक समझा, बोलो यस और नो? फिर आपको निकालना है कंप्यूटेशन ऑफ फंड अवेलेबल फॉर हुम बेटा, इक्विटी शेयर होल्डर, आपके पास नोट नेट असेट कितने बचे थे, 4,30,000। क्या इस सम में प्रेफरेंस शेयर दिए थे क्या, हाँ, कितने दिए थे प्रेफरेंस शेयर जरा मुझे बताना, प्रेफरेंस शेयर का अमाउंट कितना दिया था जरा मुझे बताना,
130,000 था कि नहीं था, तो इसको मुझे पे करना पड़ेगा, और इसको पे करने के बाद जो भी पैसा बचेगा वो किसके लिए बचेगा बोलो, फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। तो टोटल बचा था 4,30,000, लेकिन आपने इसमें से पहले किसको पैसा दे दिया बेटा, इक्विटी शेयर होल्डर को। कितना पैसा दे दिया इक्विटी शेयर होल्डर को बताओ तो, एक सॉरी प्रेफरेंस शेयर होल्डर, कितना पैसा दे दिया प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, 1,30,000। तो पहले प्रेफरेंस वालों को जाएगा, जितना भी बचेगा वो किसमें बढ़ जाएगा, इक्विटी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो 4,30,000 माइनस 1,30,000 कितना पैसा बचा, 3 लाख। और जैसे ही 3 लाख बचा, अब नेक्स्ट फॉर्मूला क्या, कंप्यूटेशन ऑफ विच वैल्यू, इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, फंड अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। कितना फंड अवेलेबल था बेटा, 3 लाख डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर, ये 20,000 कहां से आया, क्वेश्चन पे चलो। देखा क्या कितना है, 20,000 इक्विटी शेयर, समझे ना बेटा कहां से थे भाई, गंजन मत करना, एकदम सिंपल सम है, आप आराम से मार्क्स लेके आ सकते हो, कुछ नहीं करना था। आप जाओ यहाँ पे, अब देखो आपके फॉर्मूला में 3 लाख डिवाइडेड बाय 20,000, आपका इंट्रिंसिक वैल्यू कितना आ जाएगा, 15 रुपया, खत्म आपका सम। सम नंबर 3 पूरा सेम था। सम नंबर 3 में क्या था, आप देखो आपका इलस्ट्रेशन 3 है, 10 में से 3 गए, 7 इलस्ट्रेशन बचते सर मेहनत करने को। और आप देखोगे कि इतने इलस्ट्रेशन करने के बाद अगर आपको, मैंने पहले ही कहा अगर फाइनल अकाउंट पे रिस्क नहीं लेना और जल्द से जल्द चीजें करनी, तो यहाँ पे मेहनत करनी ही पड़ेगी, इसको कोई ऑप्शन नहीं है। अब देखो अगेन क्या बोला है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नाकोड़ा लिमिटेड नांदगांव, ठीक है, डिस्क्लोज द फॉलोइंग फैक्ट। बैलेंस शीट दिया था कब सर, 31 मार्च 2019। सी पहले तो ये देख लेना, 20,000 इक्विटी शेयर है, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का पहले आपको हिंट मिल जाएगा, कितने इक्विटी शेयर है बेटा, 20,000। कितना अमाउंट था उनका, 2 लाख। इन इवेस्ट जान दो, 1,008% प्रेफरेंस शेयर भी है, जो कितने रुपए लिए उनसे बेटा, 1 लाख। जनरल रिजर्व है, कोई दिक्कत नहीं, बिजनेस प्रॉफिट है, कोई दिक्कत नहीं। प्रपोज डिविडेंड है कितना, 8,000 का। ट्रेड क्रेडिटर है, बिल्स पेएबल है, और क्या है, रेंट पेएबल, ये तो लाइबिलिटी है, मुझे पेड करना पड़ेगा। असेट इस साइड डीओ है, लेकिन इस सम में चेंज कहां पे आया पता है, अच्छा सम क्या है पहले वो देख लो, अगर ये आ गया ना तो जिंदगी में टेंशन नहीं है। कैलकुलेशन ऑफ व्हाट बेटा, विच वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू। तुमको सबसे पहले क्या निकालने है, नेट असेट, मतलब फंड अवेलेबल टू हुम, इक्विटी शेयर होल्डर। अब ध्यान दो, इन्होंने क्या कहा, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट रुपीज वॉट, 15,000। तो अब मुझे बताओ गुडविल कितने का था, 25, वो कितना वैल्यूड हो गया, 15,000। तो अब 25 प्लस 15 करोगे, सिर्फ 15 लिखोगे, बोलो तो सिर्फ 15, यहां पे तुम पेंसिल से ही कर देना, ये कितना हो जाएगा सर, 15। वैल्यूड एट मतलब उतना ही अमाउंट आएगा, पॉइंट वन खत्म। दूसरा, प्लांट इज अंडर वैल्यूड बाय हाउ मेनी अमाउंट, 15,000। और सर यहां पे उन्होंने ऐसे कहा ना, अंडर वैल्यूड बाय, मतलब उनका क्या कहना है कि वो क्या हो गया, यहां पे ध्यान दो फिर मैं सवाल पूछूंगा, फिर क्या हो गया सर, अंडर वैल्यूड मतलब वो क्या हो गया, कम हो गया, कितने से कम हो गया, और वर्ड क्या बोला, बाय रुपीज हाउ मेनी अमाउंट, 15,000। और क्या प्लांट, तो प्लांट कितना है, ये रहा प्लांट कितना था, 1,60,000 में से कितना माइनस कर दो, 15,000, तो कितना हो जाएगा प्लांट बोलो तो, ओके सॉरी अंडर वैल्यूड, 1 मिनट, ओके वो कम हो गया, तो आप उतने से क्या करोगे, बढ़ा दोगे, सॉरी ओवर वैल्यूड रहा तो क्या कर दोगे, माइनस कर दो, अंडर वैल्यूड रहा तो क्या कर देना, ऐड कर देना। तो ऐड कितना हो जाएगा अमाउंट, 1 लाख, हाउ मेनी अमाउंट, 75,000, माई मिस्टेक। अगर वो अंडर वैल्यूड हुआ तो उनका कहना है कि दिख रहा है 1,60,000, वो 15,000 से क्या हो गया, कम दिख रहा है, तो आप उसे 15,000 से क्या कर दो, बढ़ा दो, तो 1,60,000 प्लस हाउ मेनी अमाउंट सर, 15,000 ना, तो कितना हो जाएगा, 1,75,000 इतना आएगा। फिर उस दौर क्या बोला, स्टॉक, स्टॉक क्या बोला, ओवर वैल्यूड हो गया है, कितने से, 10,000 से, बराबर, अगर स्टॉक 10,000 से एक्स्ट्रा दिख रहा है तो आप 10,000 से स्टॉक को क्या कर दोगे सर, कम कर दोगे, कितना था स्टॉक आपका दिख रहा है, 80,000, तो ओवर वैल्यूड है, तो 80,000 ओवर वैल्यूड आप क्या करते हो, माइनस 10,000 से आप माइनस कर दोगे, तो ये कितना अमाउंट आएगा, 70,000, बराबर। तो एक चीज याद रखो, अंडर वैल्यूड मतलब जितना चाहिए था उससे कम है, तो उतना हमने क्या कर दिया, एड, ओवर वैल्यूड मतलब ज्यादा दिख रहा है उतने से क्या कर लो सर, कम कर लो करके। एवरीबडी इतना समझा ना, अंडर वैल्यूड क्या करेंगे अपन सर और मैडम,
एड, और ओवर वैल्यूड क्या कर देंगे, लेस। ओके, तो अब यहाँ पे आ जाओ कैलकुलेशन पे। गुडविल तुमको समझ गया कितना वैल्यू आया, 15, भले 25 दिया लेकिन तुमने वैल्यू कितना लिया, 15। प्लांट कितना आ गया, 1,75,000। ऐसे क्यों, प्लांट एक्चुअली 1,60,000 था, प्लस जो अंडर वैल्यूड हुआ वो तुमने क्या कर दिया, 15,000 ऐड कर दिया, इसलिए वैल्यू कितना हो गया, 1,75,000। फिक्स्चर क्या 5,000 ही दिया हुआ है सब में, देख लो भाई एक बार। यस, फिक्स्चर कितना दिया हुआ है, 5,000। फिर सर स्टॉक इन ट्रेड कितना है, 70,000। कैसे सर, 60,000 दिया था आपने, क्या कर दिया, नहीं कितना था, 80,000 दिया था आपका, क्या हो गया, ओवर वैल्यूड हुआ, कितने से, 10,000 से, तो आपने माइनस कर दिया, कितना अमाउंट माइनस कर दिया सर, माइनस कर दिया 10,000, तो 80,000 में से 10,000 माइनस किया, कितना आ गया हो, 70,000। बुक डेट कितने है, बुक डेट आपके, बुक डेट मतलब डेटर कितने है सर, 1,25,000। बैंक बैलेंस कितना है, 4,000, और अंडर राइटर कमीशन हम लेते नहीं, वो फिक्टिशियस है, विषय खत्म। तो टोटल असेट कितने हो गए मालिक, 3,94,000 माइनस करंट लाइबिलिटी, ट्रेड क्रेडिटर, बिल्स पेबल और क्या, रेंट पेबल, ये सब माइनस कर दोगे सर, कहाँ पे था ये राशि, ट्रेड क्रेडिटर, बिल्स पेबल और क्या, रेंट पेबल, ये तीनों अमाउंट माइनस होने के बाद आपका कितना अमाउंट आता है सर, बराबर बेटा। अब ये आ गया नेट असेट, टोटल नेट असेट। सेकेंड कैलकुलेशन क्या है, कौन से लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर, तो आपने ये अमाउंट लिख दिया यहाँ पे, 3,42,000 लेस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कितना अमाउंट देना था सर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वालों को, 1,00,000। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टार मार्क वाली ये बात थी कि प्रपोज प्रेफरेंस डिविडेंड, उनको डिविडेंड भी तो पेड करने थे। अब ये कहां से आया सर, यहां पे आया, बताता हूं, ये दिखा क्या आपको, और ये 8,000 ही क्यों आया, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर के परसेंटेज कितने बोले, 8%, तो 1,00,000 पे 8% से डिविडेंड कितना आता है, 8,000, ये प्रपोज था। तो आप लोगों को डिविडेंड वालों के जितने पैसे देने हैं ना, सब चुका दो, उनका 1,00,000 तो दो ही मुद्दल, लेकिन वो डिविडेंड देना था, वो 8% से प्रपोज डिविडेंड वो भी पेड कर दो, तो 3,42,000 में से 1,08,000 गया, तो नेट असेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर कितना हो जाएगा, 2,34,000। और यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात था सर, प्रपोज डिविडेंड का, डिविडेंड किसको जाएगा, इक्विटी वालों को ही दिया 8%, इसलिए उनको पेड कर दिया, तो अब कितना अमाउंट आ गया, 2,34,000। तो फॉर्मूला हमको पता ही है सर, क्या है, नेट असेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, कितना अमाउंट अवेलेबल था बोलो, 2,00,000 क्या बेटा, 34,000 डिवाइडेड बाय कितने इक्विटी शेयर थे, 20,000, तो आपका इंट्रेंसिक वैल्यू कितना आया, 11.70। बस ये तीन सम है अगर इंट्रेंसिक वैल्यू पे आए, जिसका स्ट्रक्चर भी सेम जा रहा है। यहाँ पे तीसरा सम सिर्फ हटके था, हटके मतलब कुछ नहीं, आपको सिर्फ एक चीज करना था, अंडर वैल्यूड मतलब उतना वैल्यू क्या करना है, एड, और ओवर वैल्यूड जो एक्स्ट्रा वैल्यू हो गया उतना वैल्यू क्या करना है, रिड्यूस, इतना याद रखना था। और जब प्रेफरेंस शेयर्स के पैसे दिए तो उनपे देने वाला डिविडेंड भी क्या करना था बेटा, लेस करना था। तीसरे सम में सिर्फ यही बात थी, सॉल्व किया था तुमने थर्ड सम, और किया होगा तो आपको ये चीज समझ गए रहेगी कि क्या चीज है करके एवरीबॉडी, इसलिए वो अंडर वैल्यू ओवर वैल्यूड का विषय भी तुम्हारा डन हो गया। ये थर्ड सम के बाद फिर अभी फोर्थ क्या है सर, फोर्थ भी इजी है ज्यादा, देखो फॉर्मूला वाइज हम देखेंगे ना तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, बट अब पहले थर्ड सम जिन्होंने नहीं किया वो थर्ड सम सॉल्व कर ले क्विक फटाफट, जिन्होंने थर्ड सम नहीं किया वो सम सॉल्व करे फटाफट। किसने नहीं किया बताओ मुझे, ऑनलाइन वालों आप लोग तीन सम को एक बार देख लो प्रॉपर। ओके, चलो ध्यान दो अभी, सम नंबर फोर, अब जाओ इलस्ट्रेशन फोर हम करते हैं, पहले शांति से पढ़ लेंगे क्या है से, बाद में आप लेक्चर देखो फिर फोर्थ सम का। चलो पे अटेंशन एवरीवन, हो गया सम नंबर थ्री, सॉरी नाउ सम नंबर फोर। ब्रिमेन लिमिटेड बरेली इशूड 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10H फुल्ली कॉल्ड अप एंड पेड अप, सारे पैसे मांगे और सारे के सारे पेड भी हो गए, तो कितने हजार इक्विटी शेयर, 50,000 × 10, तो कितने कैपिटल कितना आया रहेगा उसके पास, 5,00,000 कैपिटल कितना आया रहेगा, 5,00,000 करके। नाउ द कंपनी हैज अर्न साइजेबल अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर,
विच एज फॉलो, तो पिछले 5 साल का प्रॉफिट दिया है, लास्ट 5 ईयर्स का, 2015, 2016, 17, 18, 19 और रिस्पेक्टिवली जो प्रॉफिट था उसका अमाउंट आपको दिया हुआ है। यहां तक क्लियर है सब? 50,000 इक्विटी शेयर, एक इक्विटी शेयर कितना था 10,000, और आपको ये कहा हुआ है कि सब ने पिछले 5 साल कितना प्रॉफिट कमाया हुआ था। आगे ऑफ द प्रॉफिट ऑन 20% वॉज ट्रांसफर टू कहां पे बेटा, जनरल रिजर्व। 20% कहां पे ट्रांसफर करते थे, जनरल रिजर्व को ट्रांसफर कर देते थे करके। दिस प्रपोर्शन बींग कंसिडर रीजनेबल इन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इन विच द कंपनी इज एंगेज एंड वर फेयर इन्वेस्टमेंट रिटर्न। कितना था रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बेटा, RR कितना परसेंट दिया है उन्होंने, 10% दिया। ये तो मैंने पहले भी आपको कहा था कि जहां गुडविल निकालना है वहां पे रेट ऑफ रिटर्न आप एक बार देख के चलिएगा करके। तो उन्होंने कहा कि 20% प्रॉफिट का वो कहां ट्रांसफर करते बताइए मुझे, जनरल रिजर्व को। और ये नॉर्मल प्रैक्टिस है, ऐसे उस इंडस्ट्री में किया जाता है। और नॉर्मल रिटर्न कितना है बेटा, 10% कितना परसेंट है, 10%। क्या कहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ कंपनीज इक्विटी शेयर। कौन से बेसिस पे बेटा, यहां पे इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं बोला, इन्होंने क्या बोला, यील्ड बेसिस मेथड अंडर डिविडेंड बेसिस एंड व्हाट प्रॉफिट बेसिस सेपरेटली। अब क्या करेंगे, जो सिंपल चीजें हैं जो आपको अगर कोई बता दे तो आप उतना तो कर ही सकते, वो वाली पहली बात। सॉल्यूशन शुरू करने के बाद कैलकुलेशन ऑफ विच प्रॉफिट मालिक, एवरेज एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट, बट ऑब्वियस हमें डेटा दिया था। अब ध्यान से देखिए, पहला क्या था सर, 55,390 बराबर फर्स्ट ईयर, प्लस सेकेंड ईयर मतलब 2016 57,820, थर्ड ईयर 2017 60,140, फोर्थ ईयर 61,280, 65,370। तो ये टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर कितने साल हो जाते सर, 1, 2, 3, 4 और 5। तो योर टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर 5, तो आपका एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा बेटा, 60,000। क्या एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला समझा उन्होंने, कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, टोटल प्रॉफिट लेस होता है लॉस। अगर लॉस रहता तो उतना हम क्या कर देते, माइनस। यहां पे लॉस नहीं दिया एक्चुअली, इसलिए हमने सब क्या किया है, एड डिवाइडेड बाय क्या बेटा, नंबर ऑफ ईयर्स। और नंबर ऑफ ईयर्स कितने थे यहाँ पे समझा आपको, 5। नहीं तो बच्चे ढूंढते बैठते कि सर ये 5 कहाँ से आया, यही नहीं समझा। अब ये 5 कहाँ से आया नहीं, कितने साल का प्रॉफिट था तुमको दिया था, 5 साल। और तुमको कौन सा प्रॉफिट निकालना है, एवरेज प्रॉफिट। इसीलिए बेटा तुम लोग क्या करते हो, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, तो आपका एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 60,000। यहां तक समझा? यस। आगे फिर आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन ऑफ विच प्रॉफिट बेटा, मेंटेनेबल प्रॉफिट। कैसे निकलता है मेंटेनेबल प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट लेस आप क्या करते हो, 20% ट्रांसफर टू विच रिजर्व मालिक, जनरल रिजर्व। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा कि मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है, आप एवरेज प्रॉफिट में से क्या माइनस कर देते हो बेटा, जितना अमाउंट किधर ट्रांसफर किया, ट्रांसफर टू विच रिजर्व, रिजर्व जनरल रिजर्व। अब तुम बोलोगे सर हमको कैसे पता चलेगा जनरल रिजर्व को कितना ट्रांसफर किया, कितना अमाउंट ट्रांसफर किया है, 20% ऑफ प्रॉफिट। अब कितना प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, बट ऑब्वियस कितना एवरेज प्रॉफिट अपना आ गया था बेटा, 60,000। 60,000 का 20% कितना अमाउंट आता है, 12,000। देखो तो करो कैलकुलेटर पे, 60,000 का 12%, बट ऑब्वियस इतना ही आएगा। यहाँ पे ऑलरेडी आंसर है, आप एक बार प्रैक्टिस कीजिए। मेंटेनेबल प्रॉफिट कसा काटता है, एवरेज प्रॉफिट से क्या माइनस करने का सर, जितना आपने ट्रांसफर किया है, कहाँ पे ट्रांसफर किया है, जनरल रिजर्व को, वो किसका मल्टीप्लीकेशन लेने का, 20% जो आपने क्या निकाला हुआ है, एवरेज प्रॉफिट। यस सर। तो आपका मेंटेनेबल प्रॉफिट कितना हो गया बेटा, 48,000। क्या आपको यहां तक दोनों स्टेप समझे क्या, एवरेज प्रॉफिट और मेंटेनेबल प्रॉफिट? बोलो यस सर नो। क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ के आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना आ गया, बहुत इजी था। कैसा कैसा एवरेज प्रॉफिट निकाला, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय व्हाट, नंबर ऑफ इयर्स, डन। फिर दूसरा क्या कैलकुलेट किया आपने, कैलकुलेशन ऑफ मेंटेनेबल प्रॉफिट। कैसे मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट में से उतना अमाउंट माइनस करोगे जितना आपने कहां पे ट्रांसफर किया है, जनरल रिजर्व। बट कैसे निकाले सर, वो तो पता है कितना परसेंट ट्रांसफर किया, 20%।
लेकिन 20% किसका? अलग 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 प्रॉफिट था, तो अलग अलग ईयर का प्रॉफिट था, तो आपने इस कौन से ईयर के प्रॉफिट से निकाला? एवरेज प्रॉफिट से। तो 20% ऑफ व्हाट? 60,000। समझ गया बेटा यहां तक? एवरीबडी यस और नो? अब आपको ये पता करना था कि रेट ऑफ डिविडेंड कितना था। क्या मालूम करना है बेटा? रेट ऑफ डिविडेंड। कुछ अवगढ़ नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास कैलकुलेटर है। अगर विदाउट कैलकुलेटर करना होता तो टेंशन लेने वाली बात है। अब सिर्फ तुमको फॉर्मूला याद रखना है। रेट ऑफ डिविडेंड कैसे निकालते हैं? मेंटेनेबल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय व्हाट बेटा? इक्विटी शेयर कैपिटल पेड अप, मतलब जितना वैल्यू आया। और इन्होंने पहले पहले ही इसमें कहा था कि 5 लाख का 5 लाख कॉल्ड भी और क्या है? पेड भी है। तो पेड अप कैपिटल कितना था इक्विटी से? 5 लाख रुपया। सर कैसे समझा 5 लाख? कितने इक्विटी शेयर थे बेटा? 50,000। एक शेयर कितने का था? 10 का। उन्होंने कहा ना कॉल्ड अप एंड क्या है? पेड अप। इसीलिए फिर मेरे को समझा 50,000 इंटू 10, तो कैपिटल कितना हो गया? इक्विटी शेयर कैपिटल रुपीज में बेटा 5 लाख। समझ में आ रहा है क्या? इसीलिए जब आपको रेट निकालना था तो आपका फॉर्मूला था क्या था सर? मेंटेनेबल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल इन रुपीज, जो कितना आया? 5 लाख। क्या आपको मेंटेनेबल प्रॉफिट पता था? बोलो यस और नो। यस। कितना अमाउंट निकाला था आपने? बोलो 48,000। तो आपने लिखा 48,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100, करो कैलकुलेटर पे, तो रेट ऑफ डिविडेंड कितना आ गया बेटा? 9.60%। समझ लो रेट ऑफ डिविडेंड कैसा काढ़ा है सर? यस, मेंटेनेबल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर कैपिटल का अमाउंट इंटू 100, तो तुम्हारा ये वाला अमाउंट आ गया क्या बेटा? रेट ऑफ डिविडेंड का। अब देखो फोर्थ, हाँ इंटू 100। अब देखो फोर्थ, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स अंडर विच मेथड बेटा? यील्ड बेसिस मेथड। पहला ऑन डिविडेंड बेसिस, वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर कैसे करते हैं? रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू पेड अप वैल्यू ऑफ व्हाट? इक्विटी शेयर। अब यहां पे इंपॉर्टेंट था, पेड अप वैल्यू ऑफ क्या बोला है? इधर अंडरलाइन क्या मैंने? पेड अप वैल्यू ऑफ व्हाट? ईच इक्विटी शेयर। और ईच इक्विटी शेयर का पेड अप वैल्यू कितना था? लिखा क्या? पेड अप वैल्यू ईच शेयर। टोटल तो 5 लाख था लेकिन ईच आया, तो ईच मतलब सर पर शेयर का वैल्यू कितना हो गया था बेटा? 10 रुपया। तो अब ध्यान दो यहां पे फॉर्मूला में आप क्या सीन देखोगे, और कुछ नहीं पेपर में इतना भी देख के गए ना तुम राजा, बाद में ये लेक्चर भी देख ले तो भी तुम्हारा विषय खत्म हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। हम क्या कर रहे हैं पढ़ो तो वापस, कैलकुलेशन ऑफ व्हाट? वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर अंडर क्या बेटा? यील्ड बेसिस मेथड। पहला किसके बेसिस पे निकाल रहे? डिविडेंड। वैल्यू ऑफ व्हाट? ईच इक्विटी शेयर्स। फॉर्मूला क्या है? रेट ऑफ डिविडेंड हमने निकाला था, क्या निकाला था? 9.9 कितना परसेंट? 60% डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दिया था, कहां पे दिया था? ये रहा देखो, फेयर इन्वेस्टमेंट पे नॉर्मली कितना टक्का लोग कमाते हैं? 10%। इसीलिए तुमने 9.6 डिवाइडेड बाय क्या? 10% इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर कितना था बेटा? 10। करो कैलकुलेशन कितना आएगा वो? 9.16। तो आपने ईच ऑन विच बेसिस बेटा? डिविडेंड बेसिस पे निकाल लिया। अब आपको किसके बेसिस पे निकालना है? ऑन विच बेसिस बोलो तो प्रॉफिट। अब कैलकुलेशन ऑफ विच वैल्यू? कैपिटलाइज वैल्यू। अब ये वो वाला समय जो मैंने कल या परसों आपको बताया था बोर्ड पे सॉल्व करके कि कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकालते हैं, जो नहीं थे वो भी टेंशन मत लो। जब आपको प्रॉफिट बेसिस पे निकालना है तो सबसे पहले सीवी ढूंढना पड़ेगा। सीवी का फुल फॉर्म क्या है? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ व्हाट? मेंटेनेबल प्रॉफिट। कैसे निकालते हैं सर? मेंटेनेबल प्रॉफिट जो आया था 48,000 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना था मालिक? 10% इंटू क्या? 100, मतलब वही उतना। 100 मत करो आप कैलकुलेटर पे, क्या करने का? 48,000 डिवाइडेड बाय 10, और किसका बटन दबाने का? परसेंटेज का। बराबर तुमको ये वैल्यू मिल जाएगी कितना? बच्चे क्या करते नहीं तो पता है? 48,000 डिवाइडेड बाय 10% इंटू 100, ऐसा करते फिर वो आंसर कहाँ के कहाँ निकल जाता। ये गलती है, ऐसे मत करो आप ये फॉर्मूला, क्योंकि तुम टेक्स्ट बुक में से ही देखोगे और पेपर में जाके गनगन करोगे, ऐसे मत करो। 48,000 10% दबाओ फिर 100 दबाने का नहीं। हाँ आपको अगर 100 क्लिक करना ही है तो 48,000 डिवाइडेड बाय ओनली 10 इंटू क्या? 100।
वैसे क्या तो चलेगा, ओनली 10 डिवाइड इंटू व्हाट 100, अगर आप परसेंटेज का बटन दबा रहे हो तो 100 मल्टीप्लाई करने का नहीं, समझ में आया? तो मेंटेनेबल देखो, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट कैसे निकाला उन्होंने, मेंटेनेबल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो सीवी कितना आ गया बेटा, 4 लाख क्या 8,000। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर, तो कैपिटलाइज वैल्यू, कैपिटलाइज वैल्यू कितना आया था बेटा, 4 लाख क्या 80,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने थे, 50,000। तुम्हारा वैल्यू कितना है, 9.6, 9.6 मैच हो गया। देखो तो सब में क्या ही बोला था सर तुमको, सब में कहा था कि आप लोग यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट वैल्यू ऑफ व्हाट बेटा, इक्विटी शेयर यील्ड बेसिस मेथड, डिविडेंड, और क्या बोला था, प्रॉफिट। डिविडेंड बेसिस पे तुमने क्या कर लिया, ऐसे कैलकुलेशन कर लिया, रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट, तो ये सिंपल था, इनटू 10, तो 9 पॉइंट क्या आ गया, 6। और प्रॉफिट बेसिस पे तुमने क्या निकाला, कैपिटलाइज वैल्यू, कैसे निकाला, मेंटेनेबल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय व्हाट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। तो फिर तुम्हारा आंसर 48,000 आया, इक्विटी शेयर में वो 48,000 डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर 9.6 आया। चौथा सम भी खत्म, प्रैक्टिस बार बार करनी पड़ेगी, ये ऑप्शन है, डिफिकल्ट नहीं। और मैं तो बोलता हूं, इमेजिन करो फाइनल अकाउंट सॉल्व करना है वर्सेस ये, तो तुम यहां पे मैनेज हो जाओगे, टाइम कम जाएगा, वो भी सिंपल ऐसे, लेकिन वहां पे टाइम बहुत ज्यादा है। यहां पे आपको प्रैक्टिस करनी है, 10 ही सम है टोटल, सॉरी 4 तो हो गए अपने, तो और 6, और उस 10 में से ही कोई ना कोई एक सम घूमेगा पेपर को। और जो मैंने किया, जैसे पहला मेथड मैंने सिखाया उसी के बेसिस पे सारे थे, वैसे ये वाली चीज है, समझ में आ रहा है क्या? तो आपको फिफ्थ सम एक बार देखना है, फिफ्थ सम तो कितना छोटा सा है, देख लो, मतलब 5 भी कर लो तो 50% ही रहेगा, फिफ्थ सम में कुछ नहीं है सर, एक बार देख लो, पढ़ लेता हूं, अगर डिफिकल्ट है तो नहीं, लेकिन इजी है तो क्यों अब बर्डन लेने का मत करो सर। देखो, द शेयर कैपिटल ऑफ फ्रैमी लिमिटेड फैजापुर कंसिस्ट ऑफ, कितने इक्विटी शेयर थे बेटा बोलो, कितने इक्विटी शेयर से, इतना देख लो, कितने 50,000 इक्विटी शेयर थे, एक कितने का था 10 का, सिर्फ 5 मिनट लगेगा, एक कितने का था 10 रुपए का था, आपका ठीक है, अब जाओ, एक कितने का था सर 10 रुपीज का। नाउ द कंपनी हैज अर्न प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट अर्न किया बेटा कंपनी ने, 72,000 रुपीज ड्यूरिंग द ईयर 2018-19 विच आर एक्सपेक्टेड टू बी मेंटेन इन फ्यूचर। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल कितना था बेटा, इस टाइप के बिजनेस पे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 8%। तुमको क्या बोला है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर बेस्ड ऑन कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट, क्या बोला बेटा, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट, और ऐसे बोला तो दिक्कत ही नहीं, कैलकुलेशन ऑफ व्हाट, कैपिटलाइज वैल्यू, फॉर्मूला आपको पता है क्या है कैपिटलाइज वैल्यू का, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, और ये वही कहा था 72,000 ड्यूरिंग द ईयर एक्सपेक्टेड टू बी मेंटेन, समझा क्या? तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कितना था तुमको दिया हुआ, 72,000 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है क्या 8%, तो डिवाइडेड बाय 8%, कैलकुलेटर पे लगाओ, 100 करने की जरूरत नहीं, तो 72,000 डिवाइडेड बाय 8 और क्या दबाओ परसेंटेज, क्या वैल्यू मिलेगा बेटा आपको 9 लाख। कैलकुलेशन ऑफ ईच इक्विटी शेयर बेस्ड ऑन कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट, कैपिटलाइज वैल्यू कितना आया था बेटा 5,9 लाख डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने थे 50,000, खत्म, वैल्यू कितना आया 18, खत्म, 50% सिलेबस डन, सिलेबस मतलब सम वाइज डन, और आगे के भी आप देखोगे तो वैसे ही कुछ ना कुछ रहेगा, ये वाला सम आपको घर पे ट्राई करना है एक बार, समझा, वही है कैपिटलाइज वैल्यू, सेम सम है। 6-1 इज योर होमवर्क, करो, सम नंबर 6 है तुम्हारा होमवर्क, सेम सम है, कुछ नहीं है, क्या करना है देखो, सम नंबर 6 में यहाँ पे बता रहा हूं आंसर से, एवरीबॉडी पे अटेंशन, सम नंबर 6 क्या है, एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट तुम निकाल लोगे, फिर क्या करना है, मेंटेनेबल प्रॉफिट, मेंटेनेबल प्रॉफिट से क्या माइनस कर देते हो, जितना आप किसको ट्रांसफर करते हो, जनरल रिजर्व को, तो तुम्हारा क्या मिल जाएगा सर, मेंटेनेबल फ्यूचर प्रॉफिट। फिर सर कैपिटलाइज वैल्यू कैसे आती है, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय क्या, रेट ऑफ रिटर्न, तो तुम्हारा आ जाएगा 12,50,000, और वैल्यू कैसे निकालते हो, कैपिटलाइज वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, तुम्हारे छठवें सम का आंसर खत्म, 12.5। सर 12 मार्क्स का सम, 12 नहीं 14 मार्क्स का सम है, कुछ नहीं है, 10 में से 6 विषय खत्म, 6 सम डन, होमवर्क कितना करना, 6 सम डन, और ये है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4, 4A, वैल्यूएशन ऑफ शेयर, इजी लग रहा है बेटा,
मेहनत करनी पड़ेगी, सिंपल है, सिर्फ आपको बार बार रिपीटेटिव पढ़ना पड़ेगा जितना। और मेरे आज का सेशन सिर्फ कितने मिनट का हुआ बताएं, 44 मिनट्स का सेशन है। तो 44 मिनट्स अगर आप इतना करके जाते हो एग्जाम में, मतलब आपका कल पेपर है और ये आगे के 4 सम बचे हो अपने, 6 7 8 9 10, तो वो और पकड़ लो कि आधा 1 घंटा, तो तुम लोग ये 2 घंटे का लेक्चर ही पेपर से पहले देख लोगे तो भी तुम्हारे 14 मार्क्स और बाकी चीजें डन हो जाएगी, तो खत्म। तो इसमें कोई दिक्कत थी नहीं। चलो यहाँ पे रुकते हैं, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।